Chhaju Bagh, Patna, Bihar. Namaste ji. Namaste. आज जो है बिहार में राजनीति बहुत गर्म है क्योंकि बेनामी संपत्ति और मिट्टी घोटाला के कारण सीबीआई का जो रेड हुआ है विभिन्न ठिकानों पर लालू प्रसाद के पूरे परिवार का जहाँ जहाँ बेनामी संपत्ति है, इस कारण से पूरा जो है बिहार का राजनीति गर्माया हुआ है। पूरे भारत भर में एक तरह से कहिए तो राजनीति पूरा गर्म हो चुका है और लोग राजनीतिक उथल पुथल के बारे में भी सोच रहे हैं या देख रहे हैं आगे कि बिहार की राजनीति या बिहार का भविष्य क्या होगा, इस पर लोग सोच रहे हैं कि आगे क्या होगा। बिहार में लालू पर बोलना और लालू के बारे में कुछ कहना, खास करके मीडिया के सामने, ये बहुत हिम्मत की बात है। और लोग कहते हैं कि लालू के नाम पर कौन खतरा मोल लेगा, लेकिन मैं लालू जी को 29 जुलाई 1973 से मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं बीएन कॉलेज का उसमें छात्र था। लालू जी पटना विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए थे, माननीय सुशील कुमार मोदी महामंत्री हुए थे, रविशंकर जी भी थे पदाधिकारी और कई लोग थे। तो हम लोगों का लगाव, हम लोगों का जुड़ाव कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में लालू जैसे लोगों से रहा। और जब हमारे जैसा देहात का आदमी बेलछी से पटना आया और पटना विश्वविद्यालय के बीएन कॉलेज में जब मेरा नामांकन हुआ, तो हम लोग देहात के लड़के, हम लोग कुछ नहीं जानते थे और हम लोगों ने, हमारे जैसे लोगों ने लालू को अपना नेता माना। और आज लालू के नाम पर सारे लोगों के बीच जो चर्चा है, पूरे देश में चर्चा है, समाज में चर्चा है कि लालू ने बहुत कमाया, कहाँ से संपत्ति लाया, ये किया वो किया, और बहुत सारे लोग लालू का नाम लेना सार्वजनिक रूप में पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि लालू का अगर नाम लेंगे तो हमारे प्रति लोगों का आइडिया, जनता का आइडिया खराब हो जाएगा, ऐसी धारणा बन चुकी है समाज में। लेकिन मेरे मन में कभी कभी सवाल उठता है, क्योंकि अब चूँकि समाज में कहा गया है कि जैसी हवा बहे, जैसी बहे बिहार, पीठ तब तैसी कीजिए। बहुत सारे लोग बुद्धिजीवी लोग हैं, पत्रकार लोग हैं, मीडिया के बड़े बड़े जो हस्ती हैं, वो इस नाम पर नहीं बोलते हैं, कहा कि बोलेंगे तो हो सकता है भविष्य में हमको खतरा हो जाएगा, जैसा कि मीडिया के माध्यम से बहुत बार ऐसा प्रचारित होता है कि इस तरह के मामले में कोई बोलता है तो उसको परेशानी हो जाती है और स्वर्ग का दरवाज़ा उसके लिए खुल जाता है। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूँ कि लालू के नाम पर जो अभी हो रहा है, लालू के नाम पर जो जनता का काम बंद हो रहा है, जो ठप हो रहा है समाज में, अभी सवेरे उठिए अखबार देखिए, लालू 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 लालू, तो एक तरह से ये कितनी शर्मनाक बात है। और जहाँ तक मीडिया की बात है, मैं मीडिया के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूँ, क्योंकि मीडिया से मेरा भी जुड़ाव है। जब बेलछी में कांड हुआ था 27 मई 1977 को, और उसमें केंद्र में जनता पार्टी की सरकार थी, मोरारजी भाई प्रधानमंत्री थे, लेकिन हिंदुस्तान की मीडिया उस समय भी थी, लेकिन आप लोगों को मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि उस बेलछी कांड की जानकारी इंडिया की मीडिया को नहीं थी, और बीबीसी ने सबसे पहले बेलछी कांड की जानकारी दी थी, और उसके बाद इंडिया की मीडिया जो है, ये तो मीडिया का हाल था 27 मई 1977 को। हम कहना चाहते हैं, आपको कहानी इसलिए मैं पीछे ले जाना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग कांडों के बाद भूल जाते हैं, लेकिन मैं चूँकि उस इलाके का रहने वाला हूँ, और जो लालू के प्रकरण जो अभी चल रहा है, उस लालू के नाम पर जो अभी तरह तरह की बातें समाज में चल रही है, सरकार ख़त्म हो जाएगी, लालू का सारा परिवार जो है तो मालामाल हो गया, 7 पुस्त के लिए लालू ने धन जमा कर लिया, 7 पुस्त कोई कहता 50 पुस्त के लिए लालू के खानदान वालों का नहीं घटेगा। तो मेरे मन में कभी कभी बात होती है, मैं भी सार्वजनिक जीवन में 29 जुलाई 1973 से जब से मैं पटना आया और सामाजिक जीवन में रहा, लोगों से मिला जुला, तो मेरे मन में कभी कभी सवाल उठता है, लालू का पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, आज लालू के नाम पर जो सरकार का जो जनता का काम नहीं हो रहा है, और ये सरकार का, केंद्र सरकार का और बिहार सरकार का, दोनों सरकार का ये बहाना हो गया है कि अभी तो सारे लोग लालू में लगे हुए हैं, उसी में बिजी हैं। तो लालू में आप बिजी हैं, लालू में लगे हुए हैं, लेकिन जनता का काम कौन करेगा?
आज जो बेकारी है, बेरोजगारी है, महंगाई है, आप ही बोलते हैं, आप ही बोलते हैं। और जो लोग हैं लालू के विरोधी लोग और कुछ दबी जुबान से लालू के सपोर्टर लोग भी बोलते हैं कि लालू ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, लालू ने सब बिगाड़ दिया। तो मेरा कहने का मतलब है कि लालू के नाम पर जो देश की जनता को का जो काम नहीं हो रहा है, और उसके बाद अभी जीएसटी भी एक ऐसा मामला आ गया है, बाप रे बाप जीएसटी आ गया। और जीएसटी के नाम पर आज जनता में खलबली है, छोटे दुकानदारों में खलबली है, और सारा सामान का दाम जीएसटी के नाम पर कम से कम डेढ़िया बढ़ गया। जिस जो सामान का दाम 100 रुपया था, हमको एक दुकान वाले बता रहे थे उसका दाम 150 रुपया में मिल रहा है। और पूरे हिंदुस्तान में उपभोक्ताओं के बीच एक चहलकदमी है। तो लालू और जीएसटी आज की तारीख में दो शब्द ऐसा है जो पूरे देश की जनता को, जो प्रबुद्ध लोग हैं उनको सब घुमाए हुए हैं, भरमाए हुए हैं, और उसमें बहुत सारे लोग आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि एक लालू के चलते इतना हंगामा है, और गली कूचे में तो कई लालू होंगे, पूरे देश में हजारों लालू हैं, हजारों लालू होंगे, लेकिन एक लालू को पकड़ करके आप एक लालू को बेनामी संपत्ति का निकाल करके आप पीठ थपथपा रही है। सीबीआई भी हाँ। क्या सीबीआई में पीठ धोए हुए लोग हैं? सीबीआई के बारे में कहा गया है क्या सीबीआई में लोग दूध के धोए हुए हैं? इसलिए सीबीआई तो लालू और सीबीआई कहता, सीबीआई को सब सबूत मिल गया है। तो मेरा ये सवाल है, पूरे देश में जो गली कुचे में लालू जैसे लोग हैं, भूमि माफिया जो कि जमीन दूसरों का हड़प लेते हैं, दलितों का हड़पे हुए हैं। अभी देखिए बिना कागजात का, अभी देखिए कंकड़वा का मामला, बिजली ऑफिस का मामला चल रहा है, उसमें सीईओ और डीसीएल आर पता नहीं कितने लोग फंसेंगे। तो पूरे देश में मैं समझता हूँ कि बेनामी संपत्ति पर एक मुकम्मल एक नीति बने। अभी नीति आयोग आया है, नीति आयोग ने क्या नीति बनाया बेनामी संपत्ति पर? हम कहना चाहते हैं, भारत सरकार से भी कहना चाहते हैं, और बिहार सरकार से भी कहना चाहते हैं, चाहे देश में जितनी भी राज्य सरकारें हैं उनसे हम कहना चाहते हैं कि बेनामी संपत्ति के को भूत को जिस तरह से आपने किया है, और बेनामी संपत्ति और लालू और जीएसटी ये सब जो है समझिए सरकार का ढाल हो गया है। सरकार यह कह के जनता को का काम नहीं कर रही है, और जनता का जो फाइल चाहे दिल्ली का कार्यालय हो चाहे राज्य का कार्यालय हो, जनता का काम नहीं हो रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है, लालू जी रहेंगे कि जाएंगे, उनका चटनी बनेगा कि अचार बनेगा कि मुरब्बा बनेगा, यह बात अलग है। लालू जी के खानदान का क्या होगा ये बात अलग है, मगर जो जनता की जो समस्या है, जनता की समस्या का समाधान कौन करेगा? आज बारिश हुई, 3-4 दिन की बारिश में पूरे पटना में चलना मुश्किल हो गया है, बाढ़ जैसा दृश्य हो गया है, घरों से लोग निकल नहीं रहे हैं। अब पूरे बिहार में स्थिति है बारिश से, जो नेपाल जो सहरसा सुपौल का इलाका है वो सब इलाके को देख लीजिए, दरभंगा में पानी घुसा हुआ है, मुजफ्फरपुर में कहाँ पानी घुसा हुआ है, और इस तरह से पूरे बिहार में एक हंगामा है, और उस हंगामा का इलाज कौन करेगा? आज का सवाल, ज्वलंत मुद्दा यही है, सबसे बड़ा सवाल आज का है। वैसे तो मीडिया वाले लोग, बहुत सारे मीडिया वाले लोग हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैं, प्रिंट मीडिया भी हैं, और टीवी में लोग चला भी रहे हैं, चैनल भी चल रहा है, अखबार में भी छप रहा है, लेकिन जनता का समाधान, जनता की समस्याओं का समाधान कौन करेगा? पीड़ितों की आवाज़ कौन सुनेगा? या केवल लालू का भजन होगा? क्या देश में केवल लालू का बेनामी संपत्ति का भजन होगा? इसी से देश की जनता के का समाधान होगा, बिहार की जनता का समाधान होगा? क्या बेनामी संपत्ति श्री लालू प्रसाद यादव के पास ही है? क्या उसके परिवार के पास भी है? बेनामी संपत्ति की बात जहाँ तक है, अन्य राजनीतिक नेताओं के पास नहीं है क्या? डॉक्टरों के पास नहीं है क्या? बिल्कुल, पुलिस ऑफिसर जो है, भ्रष्ट पुलिस अधिकारी, क्या उनके पास बेनामी संपत्ति नहीं है क्या? पूरे देश के पैमाने पर आज जेपी नहीं है, उसके यहाँ रेड क्यों नहीं होता है? जेपी ने आज नहीं है, लेकिन जयप्रकाश बाबू की जो मीटिंग थी, और उस मीटिंग में मैं चूंकि जेपी आंदोलन का मैं एक छोटा सिपाही रहा हूँ, और जेपी ने क्या कहा था, तो भ्रष्टाचार जो है ऊपर का भ्रष्टाचार के साथ साथ उन्होंने कहा था ऊपर का भ्रष्टाचार, तो ऊपर का भ्रष्टाचार का मतलब क्या होता है? जयप्रकाश नारायण ने कहा था भ्रष्टाचार की गंगोत्री दिल्ली में है, और दिल्ली को बदलो उसके बाद भ्रष्टाचार पर प्रहार करो, और
और जो बड़े लोगों का भ्रष्टाचार पर जेपी ने कहा था, लेकिन आज लालू के नाम पर जितने भी देश के बड़े बड़े भ्रष्टाचारी लोग हैं, मैं पूरे देश की बात कहता हूँ, आज पूरे देश के भ्रष्टाचारी लोग लालू को ढाल बनाए हुए हैं और सरकार को ये लालू के नाम पर बचाव करने का मौका मिल रहा है। जैसे किसी को दिक्कत होता है तो किसी का नाम लेता है, चोर 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 हल्ला करता है, चोर भाग जाता है। आज पूरे देश में, पूरे समाज में हुई स्थिति है। इसलिए हम इस वीडियो के माध्यम से देश के तमाम नागरिकों को, एक एक नागरिकों को हम ये कहना चाहते हैं कि एक लालू का नाम लेके लालू को ढाल बना करके जो सरकार काम नहीं कर रही है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, तो जनता को इसके लिए जयप्रकाश बाबू के नाम पर, जेपी के नाम पर जनता को सड़क पर निकलना पड़ेगा। और काम कराओ, जीते हो तो काम कराओ, ये नारा बुलंद करना पड़ेगा। अभी देखिए पटना नगर निगम में चुनाव हुआ, अभी जो है अभी तक कोई कमेटी काम नहीं हुई है और पूरा मोहल्ला डूब रहा है, पचहत्तरों बाढ़ की स्थिति खराब है, मेन होल खुला हुआ है, मेन होल खुला हुआ मौत का कुआं बना हुआ है, मौत का कुआं बना हुआ है। लेकिन सरकार का, प्रशासन का, आज जो जनप्रतिनिधि को कोई मतलब नहीं है। अब जनप्रतिनिधि को लोगों ने वोट दिया, काउंसलर को लोगों ने बनाया, अब काउंसलर का कहना है कि जो है हमको, आप हमारे लिए सड़क पर आइए, आपको हमने वोट दे के जिता दिया तो सड़क पर आने के लिए, आप अगर अक्षम हैं तो काम कराओ न तो जाओ। हम जनप्रतिनिधि को भी कहना चाहते हैं कि अगर आपसे काम नहीं होता है, जनता के समस्याओं का समाधान नहीं होता है, तो आप जो है अपना स्वतः जिम्मेवारी से भागते हैं, इसलिए आप जो है इस्तीफा आपको कर देना चाहिए। इसलिए हम कहना चाहते हैं लालू, मेरा सिर्फ इतना ही कहना है, लालू के नाम पर जनता का काम बाधित नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी जो देख रहे हैं, जो मीडिया में चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और जो जनता में के बीच चर्चा है, जहाँ देखिए वहीं लालू, जहाँ देखिए वहीं लालू। माने जनता कहती है कि बताइए ये सब कोई काम नहीं मिलता है, कोई काम नहीं है सबको, क्या केवल लालू ही सब्जेक्ट है? पूरे देश का सब्जेक्ट लालू है कि जनता की समस्या सब्जेक्ट है? मेरा ये सवाल है। अच्छा ठाकुर जी, ठाकुर जी हर मोहल्ला में जो है बहुत सारे लोग हैं, करोड़ों का मकान बना लिया है, दूसरे का जमीन हड़प करके, कागज़ नहीं है उनके पास, हर मोहल्ला में, जहाँ तक कागज, जैसे चित्रपुर नगर में देखिए, पूरे मैंने तो कहा कि देश के पैमाने पर खेमनी चक में अगर सर्वेक्षण होगा तो एक एक इंच जमीन का चेक, मुन्ना चक में, अशोक नगर में, एक आदमी का कागज देखो, कागज नहीं है लेकिन मकान है, जमीन है, क्या वो बेनामी नहीं है? इतने बड़े बड़े जो अपार्टमेंट हो गए, सारा गड्ढा भर गया, तालाब बन गया, तालाब में अपार्टमेंट बन गया, क्या उनके पास कोई कागज़ है क्या? क्या वो बेनामी नहीं है क्या? ये बड़े बड़े बिल्डर लोग हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियन लोग हैं, बड़े बड़े पदाधिकारी लोग, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर, वकील हैं, क्या पुलिस ऑफिसर हाँ। उनका बेनामी संपत्ति का जांच क्यों नहीं होता है? इसलिए हम, जैसे गया में एक ये है पुलिस ऑफिसर रिटायर है, उसका करीब लगभग 25-30 करोड़ रुपए का जमीन है। इसलिए हम CBI के लोगों से भी हम विनम्र निवेदन करना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि भगवान आपको सद्बुद्धि दे और पूरे देश के पैमाने पर, बिहार ही नहीं, चूँकि आप CBI हैं, आपको पूरा पावर है, आप जिसको चाहिएगा उसको जेल में डाल दीजिएगा पकड़ करके। इसे हम आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि पूरे देश के जितने भी लोग हैं, पॉलिटिशियन हैं, बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, वकील सब के बारे में आप एक नीति बनाइए और नीति बना करके सारे बेनामी संपत्ति के और दूसरों का जमीन हड़पा गया है, हाँ, उस पर भी अंकुश लगाया जाए, अंकुश लगाइए, हाँ, और ऐसे पीड़ितों को न्याय दिलाइए। आप एक चीज जान लीजिए, एक कुर्सी जो है सदा नहीं होता है, कुर्सी आज है कल नहीं है, चाहे कोई कुर्सी हो, कुर्सी कोई परमानेंट चीज़ नहीं होता है। इसलिए कुर्सी से हटने के बाद व्यक्ति हरेक माल चाराना हो जाता है, चाहे कोई भी पदाधिकारी हो, जो जिन लोगों ने अन्याय किया भगवान ने भी उनको सजा दे दिया। मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता हूँ, लेकिन भगवान ने उनको सजा दिया या नहीं दिया, उनके परिवार के लोगों को देख लीजिए, जिन्होंने गलत किया, तो भगवान से डरिए और ईमानदारी से वैसे तमाम लोगों को बेनामी संपत्ति का पता लगना चाहिए, न कि लालू के नाम पर जो ये हो रहा है, ये कहीं से भी उचित नहीं कहा जा सकता है। लालू ही नहीं, बिहार के जितने भी पॉलिटिशियन हैं जिनका जमीन और मकान पटना में है, सबको नोटिस करे CBI और सबको नोटिस करे कि आपका ये मकान, 5 तल्ला मकान, 10 तल्ला मकान कहाँ से आया, चाहे किसी पार्टी का हो।
नेता का हो, चाहे पदाधिकारी का हो, वकील और वकील का हो, पुलिस पटना से शुरुआत होना चाहिए ना कि शुरुआत हो। हाँ, श्री लालू प्रसाद जी के परिवार से जो शुरुआत हुई है सीबीआई के रेड, बेनामी संपत्ति का और फिर मिट्टी घोटाला वगैरह का, तो वो रेड जो है खत्म नहीं हो जाना चाहिए लालू परिवार के साथ, वो सिलसिला जारी रहनी चाहिए। मैंने ऐसा माहौल बन गया है कि लगता है कि केवल लालू सब्जेक्ट है। हाँ, और कोई नहीं है, बिहार में कोई काम नहीं है, जमीन का जो है माफिया पटना में और कोई नहीं, केवल एक ही वही है बस। हाँ, बस तो इसीलिए हर गली गली में माफिया है, जमीन माफिया। हम कोई बचाव किसी का नहीं कर रहे हैं, हमको हम पूरी निष्पक्षता पारदर्शिता कहते हैं ना, ट्रांसपेरेंसी निष्पक्षता पारदर्शिता के हिसाब से काम होना चाहिए। इसलिए जैसे ट्रेन में टिकट चेकिंग होता है, मेरा एक तजुर्बा है, मेरा एक सजेशन है कि जिस तरह से जिसके पास टिकट नहीं रहेगा वो ट्रेन में सफ़र नहीं करेगा, उसी तरह से पूरे पटना में जितने भी बड़े बड़े बिल्डिंग हैं सबको इंक्वायरी करो, बाकायदा मजिस्ट्रेट बहाल करो, और हम कहें कि सीबीआई के लोग भी उसमें रहें, क्योंकि सीबीआई पर सबसे ज़्यादा भरोसा लोगों को है, लोगों को सीबीआई पर सबसे ज़्यादा। अगर वही न्याय नहीं करेगी जनता के साथ तो फिर जनता क्या करेगी? है लोगों का तो हम सीबीआई के पदाधिकारियों को भी कहना चाहेंगे कि जितने भी इलाके में है राजधानी से शुरू कीजिए और जो भी बड़े बड़े बिल्डिंग है सब बिल्डिंग को आप मॉनिटरिंग कीजिए, मुआयना कीजिए, आप पूछे कि बिल्डिंग कहाँ से वो बनाए, 1 करोड़ का बिल्डिंग, 5 करोड़ का बिल्डिंग, 10 करोड़ का बिल्डिंग, एक एक मकान में किराया कि कोई 1 लाख आ रहा है, किसी को 50,000 आ रहा है, किसी को 20,000 आ रहा है, और कोई कोई तो कॉर्पोरेट स्कूल खोल लिया है, कोई कोई स्कूल खोल लिया है, कॉर्पोरेट स्कूल खोल लिया है, आता है कि हम शिक्षाविद हैं। सवाल है कि देखिए अगर आपकी विश्वसनीयता है सीबीआई के बारे में, लोगों को आम जनता का बहुत भरोसा है और सीबीआई के बातों पर लोग ज़्यादा विश्वास करते हैं, इसलिए हम सीबीआई के लोगों को भी कहना चाहते हैं कि पूरे पटना में जितने भी बड़े बड़े बिल्डिंग हैं, जितने भी बड़े बड़े बिल्डिंग हैं, एक तरफ से 5 तल्ला 7 तल्ला और उसका एक सर्वेक्षण कराइए, बाकायदा सरकार को कहिए कि एरिया वाइज, इलाका वाइज, चाहे वार्ड वाइज कौन कौन बिल्डिंग आपको बड़ा बड़ा बिल्डिंग है, सबको जाँच कीजिए, आप भी रहिए और उसके बाद देखिए पता चलेगा कि लालू कहाँ है और लोग लालू के अलावा और लोग हैं कि नहीं है। और इसका दायरा चूँकि सीबीआई पूरे देश के पैमाने पर है, इसलिए कलकत्ता में, बम्बई में, मद्रास में, सब जगह, आंध्रा में, बंगलोर में, चूँकि जो बड़े लोग होते हैं, घोटालेबाज लोग होते हैं, उनका जो है निवेश पूरे हिंदुस्तान में है, इसलिए पूरे हिंदुस्तान के पैमाने पर सीबीआई एक ऑनलाइन एक प्रकाशित करे कि हिंदुस्तान में इतने लोग हैं, जैसे अंबानी का चर्चा होता है कि बड़े लोग हैं, अंबानी है, अदानी है, कौन है, उसी तरह से जितने भी लोग हैं वो घोटालेबाजों का, केवल लालू ही नहीं और भी पूरे देश के पैमाने पर जो लोग हैं सबका एक ऑनलाइन हो, ताकि कोई भी आदमी क्लिक करे और उसके बाद उसको पता लगे कि हाँ आंध्रा में कौन है, महाराष्ट्र में कौन है, कलकत्ता में कौन है, पटना में कौन कौन लोग हैं, ये चेन्नई में कौन कौन लोग हैं, एक मोटा मोटी एक हो, पंजाब में कौन लोग हैं। केवल हल्लाबाजी से काम नहीं चलेगा। और वैसे तमाम लोगों को, नीति आयोग के लोगों को भी हम कहना चाहते हैं कि आपने जो नीति बनाई है उस नीति के आधार पर गरीबों को मकान आज तक नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? पूरा राजधानी में गरीबों का कैगो मकान मिला? जितने भी बड़े गरीब तो अपनी जमीन पर झोपड़ी, अपनी कागज होने के बावजूद मकान नहीं बना पाता है। अब बताइए, दबंगों का क्रिमिनल कास्ट जो है वो दक्षिणी चित्रदुर्ग नगर में एक चित्रकार को अपना मकान नहीं बनाने दे रहा है, परेशान है, कोई थाना मदद नहीं कर रही है, एसएसपी मदद नहीं कर रहा है, कोई मदद नहीं कर रहा, जाए तो जाए कहाँ। हम चाहते हैं कि गली कुचों में भी जो लालू जैसे लोग हैं, बड़े स्तर के नहीं, छोटे स्तर के लोग जो दबंग के आधार पर बेनामी संपत्ति को कब्जा किए हुए हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, अभियान शुरू होने चाहिए और काम कराओ अभियान। केवल हल्ला अभियान से काम नहीं चलेगा कि पूरे देश में सीबीआई के नाम पर हल्ला करा दो, यही बहाने सरकार के पदाधिकारी कोई काम नहीं करें। अभी पदाधिकारियों का ढाल बन गया है। भू माफिया का जो पीड़ित है लोग पटना में, खासकर पटना के, बाकी तो बिहार बाकी छोड़ दीजिए, अभी पटना से शुरुआत होनी चाहिए। जो भू माफिया का शिकार है पीड़ित, वो ऑनलाइन कंप्लेन करे सीबीआई को ताकि उन्हें न्याय मिले। बिल्कुल, इसलिए ट्रांसपेरेंसी या पारदर्शिता की जहाँ तक बात है, वो जैसे ट्रेन में टिकट चेकिंग होता है उसी तरह से जमीन चेकिंग, मकान चेकिंग, फ्लैट चेकिंग, प्लॉट चेकिंग, तब ना पता चलेगा कि सही माने में बेनामी कौन है, नामी कौन है। अभी नहीं तो ये सगुफा हो जाएगा। जैसे राम राम का नाम लो, जैसे बहुत लोग कहते हैं भगवान का नाम लोगे तो तुम्हारा सारा काम बन जाएगा, भगवान का नाम लो खाली सब काम बन जाएगा, तो केवल भगवान का नाम लेने से सब काम नहीं बन जाएगा।
और जो देश की समस्या है, जो समाज की समस्या है, जो बिहार की समस्या है, उसके लिए भी सरकार को, केंद्र सरकार को और बिहार सरकार को सोचना पड़ेगा। अब केंद्र सरकार की बहुत बड़ी बड़ी योजना है, लेकिन काम क्या हो रहा है? बिहार सरकार की बड़ी बड़ी योजना है, सात निश्चय है, क्या है, कहाँ काम हो रहा है? अभी DSLR जो है, भू माफिया, वो जमीन क्या कहते हैं, वो अभी लापता है, मतलब उसको अभी पुलिस अरेस्ट नहीं कर पाई है, घर में कुर्की किया गया है लोग। अब बताइए जरा कि वो अगर इस तरह का करता है, तो इससे लगता है कि पूरा बिहार जो है वो शिकार है, यहाँ के पीड़ित लोग, जो जनता है, शिकार है ये भू माफिया का। बिल्कुल, लेकिन कुछ लोग उसको बचाने की फिराक में भी लगे हुए हैं। ये जो है ये केवल लालू के नाम पर, लालू एक ढाल हो गए आज के तारीख में, लालू के नाम पर सब लालू कर दिया। मैं आज ही होकर के मैं वीडियो पर आज बोल रहा हूँ, मैं जब निकलता हूँ जहाँ जाता हूँ वहाँ लालू की चर्चा। हम लोग लालू जी कोई भगवान है क्या, क्यों लालू का नाम लेते हैं? लालू जब गलत आदमी है, लालू ने घोटाला किया, लालू ने चोरी किया, तो लालू का नाम क्यों? भूल जाइए लालू को, क्या फर्क पड़ता है, भूल जाइएगा तब। मीडिया में केवल एक ही न्यूज आ रहा है, और जो पीड़ित है, भू माफिया के पीड़ित है, उनका न्यूज क्यों नहीं छपता है? मीडिया थाना में फैल दर्ज नहीं किया जाता है, बताइए जरा। सबसे बड़ा हाल इस देश में मीडिया का है, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इस बात को कोई बोलेगा नहीं। और जो मीडिया के लोग हैं उनको भी थोड़ा थोड़ा ईमानदारी बरतना पड़ेगा। पटना में जो है भू माफिया पीड़ितों का जो परसेंटेज है वो बढ़ता जा रहा है दिनों दिन, और उसकी आवाज़ को कोई सुन नहीं रहा है। थाना में FIR दर्ज नहीं होता है, भगा दिया जाता है थाना से। बिहार के पटना की बात बोल रहा हूँ, पत्रकार नगर थाना की बात बोल रहा हूँ मैं, तो सवाल बताइए फिर जाए कहाँ जाए? इसीलिए हम बहुत बहुत, और वकील जो है, वकील भी क्या कहता है, जमीन हड़पता है दूसरे का। मैं क्या बताऊँ, जब वकील ही दूसरे का जमीन हड़पेगा तो बाकी लोग क्या करेंगे, बताइए जरा आप। वकील ही अगर जमीन दूसरे का हड़प ले, हड़पने का साजिश करे, सरदार बना रहे किसी मोहल्ले में, तो बाकी लोग क्या करे, पीड़ित क्या करे, किसके पास जाए? इसलिए भ्रष्टाचार की गंगोत्री पहले ऊपर में थी और ऊपर से नीचे आ गई, तो ऊपर से भी सफाई हो, नीचे भी सफाई हो, कड़ाई हो, ऊपर भी सफाई हो। अब दिल्ली में बड़े बड़े लोगों का फ्लैट हो गया, किसी का 45 करोड़ का बिल्डिंग है, किसी का 1 अरब का बिल्डिंग है। बिहार के जितने नेता हैं दिल्ली में जो मकान बनाए हुए, उनका कितना कितना की संपत्ति है। पटना में भी आप घूम लीजिए, बहुत सारे मोहल्ले हनुमान नगर कहीं के बेनामी मकान बहुत सारा है, क्यों नहीं उस पर रेड होता है, किसका मकान है वो? तो सवाल है, इसलिए ज़मीन के मामले में, मकान के मामले में, फ्लैट और प्लॉट के मामले में एक पूरा मुकम्मल नीति बने। और नरेंद्र मोदी जी, केवल आप हवाई जहाज़ पर सफ़र करके विदेश भ्रमण मत कीजिए, आप ज़मीन पर आइए, और जो सुरक्षा घेरा में रहते हैं, और सुरक्षा घेरा में नहीं, आम जनता से बात कीजिए मोदी जी। जो भू माफिया के पीड़ित हैं उनको न्याय दिलवाइए। हाँ, और नहीं तो केवल आप इंग्लैंड जाएंगे, जर्मनी जाएंगे, जापान जाएंगे, फलना जाएंगे, चिलना जाएंगे, ऐसे काम नहीं चलेगा। ज़मीनी हकीकत को समझिए, और केवल बहानेबाजी, कभी दिल्ली, कभी पंजाब, कभी हरियाणा, देश की जनता के बीच भी आप नहीं घूमते हैं। देश की जनता से आप भाग रहे हैं, जनप्रतिनिधि लोग आज भाग रहे हैं, क्या जनपी लोग भाग रहे हैं, क्या दूसरों का जमीन हड़पना क्या मानवाधिकार का उल्लंघन नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, जिसमें कि थाना का पुलिस प्रभारी जो है, पुलिस थाना प्रभारी, थाना का कर्मचारी और उसके वही वकील लोग भी साथ देते, ये दोनों भी तो हुए मानवाधिकार हनन करने वाले। इसीलिए हम इस वीडियो के माध्यम से हम पूरे देश के नागरिकों को, और मीडिया को भी, और सरकार को भी, और प्रशासन को भी, सबको हम कहना चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी का सही अर्थ लोगों को समझ में आवे। और ऐसा नहीं कि हम बहुत काम कर रहे हैं, अब जाइए सहरसा जाइए तो कहेगा कि गया में बहुत काम हुआ, गया जाइए तो दरभंगा में काम हुआ, दरभंगा जाइए तो मुजफ्फरपुर में। मीडिया में भी गलत न्यूज छप जाते हैं। अच्छा, मीडिया वाले क्या करें, मीडिया की दुर्गति हो रही है, मीडिया की सबसे बड़ी दुर्गति है। मीडिया वाले लोगों को भी हम कहना चाहते हैं, कुछ पत्रकार तो गुलाम की तरह हैं, तो पत्रकार लोगों को भी हम कहना चाहते हैं कि थोड़ा आप भी थोड़ा सा जनता पर रहम कीजिए, और जनता की जो सच्ची बात है उसको छापिए। भगवान ने आपको सरस्वती ने दिया है, बुद्धि दिया है, कलम दिया है, कलम का गलत इस्तेमाल मत कीजिए। मीडिया के लोगों को भी हम कहना चाहते हैं, नहीं तो आपको भी हर एक माल चाराना होते देरी नहीं लगेगा। मैंने देखा है, मेरे सामने बहुत सत्ता आई, कई सत्ता, अभी दलित की चर्चा हो रही है, दलित की। बिहार में अगर कोई दलित का सबसे बड़ा शुभचिंतक था, हितैषी था, तो कांग्रेस के नेता मुंगेरी लाल, स्वर्गीय मुंगेरी लाल। मुंगेरी लाल जी सच्चे गांधीवादी थे, लेकिन आज दलितों ने मुंगेरी लाल को भुला दिया।
उनकी जयंती नहीं मनाई जाती है। मुंगेरी लाल को लोग भूल गए, मेरा सवाल है कहाँ है वो दलित के नेता? मुंगेरी लाल के बारे में आपने अभी तक क्या किया किया? मैं चूँकि बचपन से ही मैं लोगों के साथ मिलता रहा हूँ, जुड़ता रहा हूँ, और मैं बहुत लोगों मैंने देखा है, मेरे सामने बिहार सरकार और भारत सरकार कई बार आई और कई बार गई। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, सबको प्रणाम। धन्यवाद ठाकुर जी।